Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. आज हम chapter number 14 start करेंगे और हमारे chapter का नाम है Good Health, अच्छी सेहत. अच्छी सेहत सबको चाहिए, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में, प्रॉपर रेस्ट, गुड फूड और क्लीननेस के बारे में. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ हेल्दी. अपने आप को सेहतमंद तंदुरुस्त रखने के लिए आप क्या करते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर एवरीवन एज इट कीप अस एक्टिव एंड एनर्जेटिक. सबको अच्छी सेहत चाहिए ताकि वो क्या रहे, काम करने के लिए एक्टिव रहे और एनर्जेटिक रहे, मतलब उनमें बहुत सारे काम करने की ताकत हो. टू मेंटेन गुड हेल्थ इट इज इम्पॉर्टेंट टू अडॉप्ट हेल्दी हैबिट. अच्छा स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए. फॉलो दीज फोर कीज रूल टू स्टे हेल्दी. हमें चार ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए किस लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए. तो वो चार बातें कौन कौन सी हैं. एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज एक्सरसाइज करिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, सेहतमंद भोजन करिए, एंश्योर प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, आराम करिए और साफ सफाई का ध्यान रखिए अपने आसपास. अगर आप अपने आसपास साफ सफाई रखेंगी तो आप हेल्दी रहेंगे. एक्सरसाइज, वी शुड एंगेज इन डेली एक्सरसाइज टू कीप बॉडी फिट एंड स्ट्रांग. अपनी बॉडी को मजबूत, स्ट्रांग, ताकतवर रखने के लिए हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी डू नॉट गेट टायर्ड ईजिली. जल्दी नहीं थकना चाहिए. वी कैन प्ले एंड वर्क बेटर. एक्सरसाइज करेंगे आप थकेंगे भी नहीं और अपना काम अच्छे से करेंगे और खेलेंगे भी अच्छे से. वी शुड कीप प्रॉपर पॉस्चर वेल एक्सरसाइजिंग. जब एक्सरसाइज करें तो सही पॉस्चर लीजिए, अपनी शरीर को बिल्कुल सही पोजीशन में रखिए जब आप एक्सरसाइज करें. नाउ प्रॉपर रेस्ट. हमें प्रॉपर रेस्ट मतलब भरपूर मात्रा में आराम करना चाहिए और सही समय पर. क्यों करना चाहिए चलिए देखते हैं. रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क. काम करने के बाद हम सब थक जाते हैं. हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन ही तो है. तो जब बॉडी थक भी जाती है, मशीन भी थक जाती है अगर वो लगातार काम करे, तो हमें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए. इट रिफ्रेश आर बॉडी एंड माइंड. हमारी बॉडी को रिफ्रेश करती है, फ्रेश रखती है और हमारे माइंड को भी फ्रेश रखती है. गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली टू. रोज रात को सही समय पर सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. ये नहीं कि रात को 12-12 बजे तक आप सोए नहीं, आपको प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए और सही टाइम पर उठना चाहिए. इट मेक्स आर माइंड अलर्ट. सही सोना और सही समय पर उठना हमारे दिमाग को अलर्ट रखता है, काम करने के लिए बिल्कुल एक्टिव रखता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट गुड फूड. गुड फूड मतलब अच्छा खाना. अच्छा खाना, सेहतमंद खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है. फूड गिव्स अस एनर्जी. इट हेल्प अस टू ग्रो. वी मस्ट टेक अ बैलेंस्ड डाइट. खाने से हमें एनर्जी मतलब ताकत मिलती है जो बढ़ने में हमारी मदद करती है. और हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हमें बैलेंस्ड डाइट मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हर तरह के पोषक तत्व मिले हो, उसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो. तो सभी
पोषक तत्व सही मात्रा में उसमें शामिल हो। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें डेली दूध पीना चाहिए। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, हमें हरी सब्जियां और फल भी भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। देखिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रोज दूध पीना चाहिए और फल सब्जियां खाना चाहिए। क्लीनिनेस, क्लीनिनेस क्या होती है? साफ सफाई, हमें अपनी बॉडी, अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, अपने घर को साफ रखना चाहिए और घर के आसपास की जगहों को भी साफ रखना चाहिए। पर्सनल क्लीनिनेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए अपने शरीर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। फूड फॉर अ हेल्दी बॉडी, वी शुड कीप आर सेल्फ क्लीन, मतलब अगर हम अपनी बॉडी को हेल्दी, तंदुरुस्त रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे तो कैसे रखेंगे? अपने आप को साफ रखकर, क्लीन रखकर। ब्रशिंग टीथ वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस आफ्टर डिनर, हमें सुबह अपने दांतों को साफ करना चाहिए और रात को भोजन के बाद, मतलब रात का भोजन, डिनर के बाद भी ब्रश करना चाहिए। टेकिंग अ बाथ एवरी डे, रोज नहाना चाहिए, अगर गर्मी है तो दिन में दो बार नहाइए, अदरवाइज आप सुबह ज़रूर नहाइए। ऑयलिंग हेयर रेगुलरली, बालों में रोज तेल लगाइए। कॉम्बिंग हेयर एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग आउट एनीवेयर, सुबह अपने बालों में अच्छे से कंघी करिए और अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से कंघी कर जाइए। कीपिंग नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, नाखूनों को छोटा रखिए और साफ रखिए, अगर आपके नाखून बड़े होंगे तो उनमें गंदगी भर जाएगी, जर्म्स होंगे। वी मस्ट क्लीन आर नोज विद अ क्लीन हैंडकरचीफ, अपनी नाक को साफ रुमाल से साफ करिए। नाउ लुक ओवर, गुड हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, अच्छी सेहत सबके लिए ज़रूरी है। वी मस्ट डू एक्सरसाइज डेली, इट कीप आर बॉडी फिट, रोज एक्सरसाइज करिए और अपनी बॉडी को फिट रखिए। फूड गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प अस टू ग्रो। वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोइए। पर्सनल क्लीनिनेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, पर्सनल क्लीनिनेस मतलब अपने शरीर की साफ सफाई रखिए तंदुरुस्त रहने के लिए। नाउ एस्टिमेशन कॉर्नर, तो लेसन के बेस पर अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। नंबर वन, वी मस्ट फॉलो, हमें क्या अपनाना चाहिए या किसका पालन करना चाहिए? गुड हैबिट, बैड हैबिट, बोथ ए बी या नन ऑफ दी, अच्छी आदतों का, बुरी आदतों का या दोनों तरह की आदतों का? तो हमें फॉलो करने चाहिए गुड हैबिट्स। नंबर टू, डैश इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है? चॉकलेट, गुड हैबिट, गुड हेल्थ या नन ऑफ दीज? तो सही ऑप्शन है गुड हेल्थ, अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है। नंबर थ्री, डैश इज नेसेसरी आफ्टर वर्क, काम करने के बाद क्या ज़रूरी है? रेस्ट, गेम, फूड या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन है रेस्ट, काम करने के बाद हमें आराम चाहिए। नंबर फोर, वी मस्ट डू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वीकली, डेली, ईयरली या नन ऑफ दीज? हफ्ते में एक बार, साल में एक बार या रोज? हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। नाउ एक्सरसाइज भी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, खाली स्थानों को भरिए हेल्प बॉक्स की मदद से। नंबर वन,
डैश इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? हमारे लिए गुड हेल्थ इम्पॉर्टेंट है. तो हम यहाँ लिखेंगे GOOD, गुड हेल्थ, मतलब अच्छी सेहत सबको चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें. गो टू बेड -and-early too. हमें सोने जाना चाहिए बेड पर अर्ली, जल्दी. और जल्दी हमें क्या करना चाहिए? वेक अप, मतलब उठना चाहिए. तो हम यहाँ लिखेंगे वेक अप. नंबर 3, वी शुड ड्रिंक -daily. हमें रोज क्या पीना चाहिए? हमें रोज मिल्क, मिल्क मतलब दूध पीना चाहिए. नंबर 4 एंड नंबर 5 यू विल डू बाय योरसेल्फ. एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है वो सही है या गलत है. नंबर 1, रेस्ट इज अननेसेसरी आफ्टर वर्क. रेस्ट, आराम करना जरूरी नहीं है काम के बाद. ये स्टेटमेंट गलत है, हमें काम के बाद आराम करना चाहिए. नंबर 2, वी शुड कीप प्रॉपर पॉस्चर व्हाइल एक्सरसाइजिंग. एक्सरसाइज करते हुए बॉडी का पॉस्चर बिल्कुल सही रखना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू. नंबर 3, एक्सरसाइज डज नॉट कीप आर बॉडी फिट. एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट नहीं रखती. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक्सरसाइज से हमारी बॉडी एकदम फिट रहती है. नंबर 4, वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. भरपूर मात्रा में हमें हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है. आप सब बच्चों को हरी सब्जियां खानी चाहिए. फूड गिव अस एनर्जी, खाना भोजन हमें ताकत देता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के बारे में पढ़ा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो.